एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास आ चुका है एप्पल का लेटेस्ट आईफोन, जो है आईफोन 12 प्रो। दिस इज द मोस्ट अवेटेड फोन ऑफ द ईयर। और जब से ये यूएस में लॉन्च हुआ है, मैं सोच रही थी कि कब मेरा टर्न आएगा और इंडिया में ये मुझे मिलेगा। फाइनली ये आज मुझे मिल चुका है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू द अनबॉक्सिंग विद यू ऑल। तो चलिए करते हैं आईफोन 12 प्रो को अनफोल्ड आज के वीडियो में। मैं हूं निष्ठा एंड वेलकम टू गैजेट्स अनफोल्ड। मेरे पास जो है वो है आईफोन 12 प्रो और ये मुझे मिला है 1,19,900 रुपए में। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। लुक एट दिस बॉक्स, बॉक्स से ही ये काफी स्लीक है। तो देखते हैं अंदर फोन कैसा है। और सबसे पहले बॉक्स में आपको मिलता है आईफोन 12 विद iOS 14। ओ माय गॉड, वाओ, बहुत ही बढ़िया दिखता है ये फोन। देखिए बहुत ही लाइट वेट है और होल्ड करने में काफी कंफर्टेबल है, काफी स्लीक भी है ये फोन। चलिए अभी के लिए मैं इसे साइड में रखती हूँ और देखते हैं और क्या क्या मिलेगा बॉक्स में। नेक्स्ट इस बॉक्स में आपको मिलता है एक चार्जिंग केबल, जो कि है USB-C टू लाइटनिंग पोर्ट फास्ट चार्जिंग के लिए। और साथ ही में आपको मिलता है एप्पल का स्टिकर और साथ ही में डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर पिन। बस बॉक्स में आपको इतना ही मिलेगा। इस बार बॉक्स में चार्जर नहीं है दोस्तों, देयर इज नो चार्जर। वेल, एप्पल ने ये स्टेप क्यों लिया, क्यों चार्जर मिसिंग है इस बॉक्स से, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस बॉक्स में आपको ईयरफोन्स भी नहीं मिलते हैं, जो कि लास्ट टाइम आईफोन 11 प्रो में आपको मिले थे। तो अगर आपके पास पहले से कोई फास्ट चार्जर नहीं है या प्रीवियस आईफोन का नॉर्मल चार्जर भी नहीं है, इस बॉक्स को ओपन करने से पहले जरूर एक चार्जर खरीद लीजिए। इस बॉक्स में आपको मिला है एक चार्जिंग केबल और साथ में फोन। मैं कहूंगी कि बेसिक थिंग जो कि एक चार्जर है वो मिसिंग है। चलिए अभी के लिए मैं इसे साइड में रखती हूँ और देखते हैं अपने फोन को। एंड ओ माय गॉड, काफी बढ़िया डिजाइन है, काफी डिफरेंट लुकिंग है पिछले आईफोन्स के मुकाबले। शार्प एजेस हैं, एल्यूमिनियम साइड्स हैं, तो काफी प्रीमियम लुक दे रहा है ये फोन ऑलरेडी। हाथ में होल्ड करने में बहुत ही हैंडी है, अगर कर्व्ड कॉर्नर्स रहते हैं तो ये फोन स्लिप हो जाता है बार बार, बट इन एजेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आईफोन 4 और 5 में हमें कुछ इस तरह का डिजाइन ही देखने को मिला था, तो कह सकते हैं एप्पल ने अपने प्रीवियस मॉडल से ही इंस्पिरेशन लिया है इस डिजाइन के लिए। इसका जो वेट है वो है 187 ग्राम, तो बहुत ही लाइट वेट फोन है। और साथ ही इसकी थिकनेस है 7.4 mm, तो काफी स्लीक है पिछले आईफोन के मुकाबले। तो कह सकते हैं आपको मिलता है पिछले फोन के मुकाबले पहले से स्लिमर, स्मॉलर और लाइटर आईफोन। चार कलर ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगी, सिल्वर, ग्रेफाइट, गोल्ड एंड पैसिफिक ब्लू। मेरे पास जो है वो है पैसिफिक ब्लू कलर और यही इस साल का सबसे बेस्ट सेलिंग कलर भी है। अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड पे आपको मिलता है टेक्सचर्ड मैट ग्लास बैक, जिसमें कि फिंगरप्रिंट स्मजेस काफी कम आते हैं, तो ये एक बढ़िया बात है। और फ्रंट में आपको मिलती है सेरेमिक शील्ड, ये आज तक के किसी भी स्मार्टफोन की स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है और ये 4 गुना ज्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंट है पहले के आईफोन से। ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर है, क्योंकि मेरे पहले के काफी आईफोन्स गिरने की वजह से ही ब्रेक हुए हैं। साथ ही ये आईफोन स्प्लैश, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है, यानी कि 6 मीटर तक भी अगर ये पानी में गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही इंडिया के हिसाब से डस्ट रेजिस्टेंट है, तो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल पोर्ट्स और कनेक्टर्स की। वेल, अगर आप देखें तो लोअर साइड पे आपको मिलेगा मेन माइक्रोफोन और साथ ही में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी, और उसके बाद आपको मिलता है लाइटनिंग कनेक्टर पोर्ट और साथ ही में स्पीकर ग्रिल, बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर मिलता है इसमें आपको। अगर राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पावर ऑन ऑफ बटन, और टॉप साइड पर कुछ भी नहीं है,
लेफ्ट साइड में अगेन देखेंगे तो अलर्ट स्लाइडर मिलेगा, इससे आप साइलेंट मोड को ऑन और ऑफ आसानी से कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन बटन्स, और सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आपको मिलती है सिम ट्रे। वेल, ये एक ड्यूअल सिम फोन है, इसमें आप एक नैनो सिम यूज कर सकते हैं और एक ई सिम, यानी कि आप दो नंबर्स आराम से मेंटेन कर सकते हैं, एक आपका पर्सनल नंबर और एक बिजनेस नंबर। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो लेंस, साथ ही में एक फ्लैश भी है। जो इसका कैमरा सेटअप है वो ज्यादा उठा हुआ नहीं है, तो जब आप फोन टेबल पर रखते हैं तो एकदम बैलेंस्ड आपको लगेगा। साथ ही अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में भी आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ ही मिलता है बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर और एक माइक्रोफोन। तो डिजाइन के एरिया में मेरी तरफ से थम्स अप है, काफी रिफ्रेशिंग और नया डिजाइन है, यूजर्स को ये पसंद जरूर आएगा। चलिए गाइस, अब फोन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है इसका डिस्प्ले। वेल, हमारा फोन अब स्टार्ट हो गया है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विद OLED पैनल, यानी कि जो डिस्प्ले है वो एक लेवल अप होने वाला है, आपको काफी शार्प और क्लियर आइकन्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें जो आपको टच मिलता है वो ऑलरेडी काफी सीमलेस होता है, इसे कहते हैं हैप्टिक टच, यानी कि टच के लिए आपको प्रेशर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 800 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, और HDR में आपको मिलेगी 1200 nits तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो काफी ब्राइट दिखने वाला है इसका स्क्रीन, और साथ ही कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी हाई है। ट्रू टोन वाइट कलर डिस्प्ले है, तो स्क्रीन पर आइकन्स काफी ब्राइट, शार्प और कलरफुल दिखेंगे। डिस्प्ले पर आपको मिलती है फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट कोटिंग, तो यानी कि जब आप यूज करेंगे तो फिंगरप्रिंट स्मजेस काफी कम आएंगे डिस्प्ले पर भी। साइड बेजल्स अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड के बेजल्स काफी थिन है, और लोअर चिन भी इक्वली थिन है। अपर साइड में सेम टाइप का डिस्प्ले है जैसे पहले दिया गया है आईफोन्स में, तो डिस्प्ले वाइज और वीडियोस देखने में, गेमिंग करने में तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है लाइक यूजुअल। 60Hz का रिफ्रेश रेट इसमें आपको मिलता है, पर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में कोई भी लैगिंग या कोई भी स्लोनेस बिल्कुल भी नहीं है। डिस्प्ले वाइज भी मैं इसे थम्स अप दूंगी अपनी तरफ से। इस फोन में आपको मिलता है A14 बायोनिक चिपसेट, जो वर्ल्ड में किसी भी स्मार्टफोन के लिए फास्टेस्ट चिपसेट है। साथ ही में आपको मिलता है 5G, ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डाला गया है, ताकि जब भी नेटवर्क्स 5G पर अपग्रेड होंगे आपको अपना फोन अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही में आपको मिलेगा 50% फास्टर GPU, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है और काफी बढ़िया रहने वाला है। इसमें आपको मिलते हैं तीन वेरिएंट्स, 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शंस। साथ ही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS 14, जो वर्ल्ड का मोस्ट सिक्योर मोबाइल OS है, पैक्ड विद पावरफुल फीचर्स। आपको साथ ही मिलेंगे कुछ बिल्ट इन एज यूजुअल एप्स और कुछ फ्री एप्स भी, जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ iPhone 12 Pro के कैमरा को चेकआउट करने के लिए। iPhone 12 Pro में दिया गया है ट्रिपल 12 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम विद वाइड एंगल, वाइड एंड टेलीफोटो लेंस। ये सेम कैमरा सेटअप है जो आपको iPhone 11 Pro में दिया गया था, बट विद बेटर वाइड एंगल सेटअप। तो आपको इसमें मिलेगा ज्यादा लाइट, ज्यादा बेहतर पिक्चर्स और ज्यादा बेटर कलर्स। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 120 degrees, तो ज्यादा बेटर वाइड पिक्चर्स या ग्रुप पिक्चर्स आप ले पाएंगे। 2x ऑप्टिकल जूम है और 10x का डिजिटल जूम है। स्मार्ट HDR3 है फोटोज के लिए। आपको इसमें बेटर नाइट मोड, पोर्ट्रे मोड मिलेगा, आप लो लाइट में और नाइट मोड में बेटर पिक्चर्स इस कैमरा से ले पाएंगे। वीडियोस में आप रिकॉर्ड कर पाएंगे HDR4K वीडियो रिकॉर्डिंग विद डॉल्बी विजन अप टू 60 FPS, जो कि प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स यूज करते हैं। अगेन, ये फर्स्ट टाइम है किसी भी स्मार्टफोन में। फ्रंट में भी दिया गया है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ ही आप फ्रंट कैमरा से भी कर सकते हैं 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग विद डॉल्बी विजन। साथ ही अब आप फेस टाइम से भी
HD वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। ये चीज iPhone 11 Pro में पॉसिबल नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कुछ पिक्चर्स जो मैंने इस कैमरा से शूट किए हैं। आप खुद ही देखकर बताइए कि पिक्चर क्वालिटी कितनी शानदार है। सभी 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल कैमरास को बीट करता है। चाहे ये 12 मेगापिक्सल है, बट इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इतना बढ़िया है कि फोटोग्राफ्स एकदम शानदार आते हैं। हैंड्स डाउन दिस कैमरा विंस ओवर ऑल अदर कैमरास। वेल, अगर ऑन पेपर देखें तो इसकी बैटरी है 2815 mAh। जी हाँ, काफी कम है ये सुनने में अगर हम दूसरे फोन से कंपेयर करें, पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि ये बैटरी भी आपको काफी देर तक चलेगी। एप्पल क्लेम करता है कि इस बैटरी से आप 17 आवर्स तक का वीडियो प्लेबैक देख सकते हैं और 65 आवर्स का ऑडियो प्लेबैक, पर ये एग्जैक्टली कितनी देर तक आपको लास्ट करेगी ये हम टेस्ट के बाद ही आपको बता पाएंगे। इसके साथ ही आपको मिलता है क्विक चार्ज। आप 50% तक अपना फोन चार्ज कर सकते हैं सिर्फ 30 मिनट में अगर आप यूज करेंगे 20 वॉट का फास्ट चार्जर, जो इस फोन में नहीं है। तो आपको अलग से जरूर ये चार्जर खरीदना पड़ेगा अगर आपके पास iPhone 11 Pro नहीं है। ये एक एडेड कॉस्ट है और जरूर कंज्यूमर्स को ज्यादा पसंद नहीं आएगी। आप इसे मैग्नेटिक चार्जर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि मैगसेफ एक्सेसरीज आपको दी गई हैं। और मैगसेफ एक्सेसरीज यूज करने के लिए इसमें मैग्नेटोमीटर भी लगाया गया है। सिक्योरिटी के लिए आपको दिया गया है पासपोर्ट और साथ ही फेस अनलॉक, जो काफी अच्छा और फास्टली काम करता है। इवन लो लाइट या नाइट टाइम में भी काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है इसके फेस अनलॉक का। इस फोन का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी शानदार है। जैसा कि बताया मैंने आपको कि डिस्प्ले तो अच्छा है ही, साथ में बिल्ट इन स्पीकर भी आपको डबल मिलते हैं, एक अपर साइड पर और एक लोअर साइड पे, तो काफी अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी। कनेक्टिविटी में आपको मिलता है 5G जैसे कि आपको बताया मैंने, और साथ ही Wi-Fi 6 और Bluetooth 5 भी आपको मिलेगा। सेंसर्स की बात करें तो सभी सेंसर्स हैं इसमें, जैसे फेस आईडी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, मैग्नेटोमीटर, मैगसेफ एक्सेसरीज के लिए। आई थिंक एप्पल ने हमें प्रिपेयर किया है इस मॉडल के साथ वायरलेस चार्जिंग के लिए। जो फ्यूचर है वो वायरलेस चार्जिंग का ही होगा। चलिए अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे पहले तो इसका जो डिजाइन चेंज है वो काफी नया है, काफी रिफ्रेशिंग है, स्मार्ट और एजी है, साथ ही स्लीक और लाइटवेट है, जो यूजर्स को डेफिनेटली पसंद आएगा। तो काफी स्कोप है कि यूजर्स इसे खरीदना चाहेंगे। साथ ही इसमें आपको मिलता है A14 बायोनिक चिपसेट, जो फास्टेस्ट है किसी भी स्मार्टफोन में। साथ ही आपको मिलता है बेटर कैमरा और बेटर ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू सेरेमिक शील्ड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है किसी भी डिस्प्ले में, किसी भी स्मार्टफोन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज वी ऑल नो कि इस प्राइस ब्रैकेट में ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम और लग्जूरियस फोन है। साथ ही में आपको मिलते हैं फ्लैगशिप फीचर्स इसके साथ और काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले। तो इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल गैजेट्स अनफोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। मैं आपके थॉट्स भी जानना चाहूंगी कि क्या आप खरीदना चाहेंगे iPhone 12 Pro, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।